वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। एंड आज का बेसिकली ऑन डिफरेंट टॉपिक है, इज अबाउट कैसे हम एक शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं यूजिंग शून्य एपीआई। बिकॉज कुछ लोगों ने पूछा था, सो मैंने सोचा कि एक एक को बताने से अच्छा एक वीडियो ही बना दूँ इस पर। ये बेसिक स्टडल है, इसके आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, चाहे तो आप इसको आगे करके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि काफ़ी बेसिक्स बताया है, या फिर आप फास्ट फॉरवर्ड में इसको देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थैंक्स। सो बेसिकली मैंने एक विजुअल स्टूडियो में एक कोड को सिमुलेट करने की कोशिश की है, जो कि सिंपली एक शॉर्ट स्टिल प्लेस कर रहे हैं 920 पे, एंड 315 पे हमें अगर निकल जाना है, एक पर्टिकुलर लेग पे हम SL पुट अप कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ इंपोर्ट करना है मुझे, मैंने ऑलरेडी कोड लिख दिया है फॉर रेफरेंस, बिकॉज अभी अगर मैं लिखता तो बहुत टाइम लगता। तो कॉन्फिग पार्सर हम जो कर रहे हैं, द रीज़न बिंग जो भी हमारी क्रेडेंशियल्स है उसको हमें रीड करना है। तो हम एक्चुअली एक फाइल क्रेडेंशियल्स डॉट INI से रीड कर रहे हैं, जिसमें हमने सब डाला हुआ है। इसको क्रेडेंशियल को मैं अगर दिखाऊंगा तो इस तरह की क्रेडेंशियल्स बनाएंगे, जिसमें यूज़र नेम, यू पासवर्ड, फैक्टर जो हमारा 2 है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो आप, एक VC करके है उसको आप यूज़ करना है, ऐप की जो अगर आपको API से कनेक्ट करना है फिनवेशिया की, और IMI मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन IMI एक्चुअली अपना मैग आईडी होता है, बट इसमें तो हम नॉर्मल ABC 1 2 3 4 डालना है। तो इस तरह का आपको एक क्रेडेंशियल बनाना है। तो मैं उस क्रेडेंशियल को फिर मैंने रीड किया है यहाँ पे इस कॉन्फिग पार्सर से, मीन्स यहाँ पे मैंने कॉन्फिग पार्सर को कॉल करके कॉन्फिग में डाल दिया, उसको डॉट रीड किया क्रेडेंशियल डॉट INI। मैंने यहाँ पे यूज़र, यू पासवर्ड, फैक्टर 2 बेसिकली इस फाइल से मैंने उठा ली, जो क्रेडेंशियल्स डॉट INI की बनी हुई है। करेक्ट। एक बार ये बनने के बाद मैंने फिर एक ये मैं बताऊंगा कि ग्लोबल क्यों किया हुआ है। एक तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा शून्य API का, इसलिए मैंने इसको ग्लोबल किया हुआ है। एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, जो FNO की पूरी लिस्ट होती है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी की इंपॉर्टेंट। एक बार आप डाउनलोड कर लिए तो आपको मतलब एक्सपायरी वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपली 012 से आप इस वीक की एक्सपायरी या फिर उसके आगे आने वाली एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शून्य API का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, API, ठीक है, जो कि मैंने ग्लोबल डिफाइन किया हुआ है, और फिर मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन के लिए ये पैरामीटर्स में चाहिए होते हैं, जो कि यूज़र आईडी। अब ये जो यूज़र है मैं यहाँ से उठा रहा हूँ बेसिकली कॉन्फिग फिनवेशिया यहाँ से उठा के। तो ये आप जितनी भी डिटेल्स पास करेंगे वो आपके API का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो फिर API एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद आप कुछ भी उसकी फंक्शंस हैं, जैसे गेट लिमिट है, ट्रेड बुक है, गेट पोजिशंस है, तो API डॉट करके आप करते हैं, तो आप उसके जितने भी एक्सपोज API के फंक्शन से वो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको। तो बेसिकली इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो अपडेट होता है, और ये शून्य की इस बेसिकली HTTPS से जो आपको दिया हुआ है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इसको रीड करता हूँ रीड डॉट _CSV में, और बेसिकली इस तरह का एक मैंने कोड लिखा है, तो ये मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको मैं पांडास में ले रहा हूँ, डेटा फ्रेम बना रहा हूँ एक्चुअली, तो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है पांडास इसके लिए, यहाँ पे इंपोर्ट पांडास SPD। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे मास्टर _ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये मैंने एक्चुअली यहाँ से अगर रन करता हूँ तो मैं ये एक्चुअली यहाँ से डाउनलोड कर रहा है। एक फाइल होती है जिसमें जितने भी आपके FNO के ऑप्शंस होते हैं वो सब इसमें स्टोर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर देर आर टोकन, ठीक है, सिंबल आता है, तो जिस जिसके भी ऑप्शन भली बैंक निफ्टी के इंडेक्स के हो या फिर स्टॉक्स के हो, वो सब यहाँ पे इसकी लिस्ट आती है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको सिंबल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, टोकन, ट्रेडिंग सिंबल, एक्सपायरी कौन सी है क्या नहीं है, उसकी पूरी डिटेल एक लिस्ट जो होती है वो मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो इस तरह से मैंने इसमें रीड की हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बिकॉज ये हमें आगे काम आएगी। फिर मैंने क्या किया क्या हुआ है कि इसको जो बेसिकली इसकी एक्सपायरी है उसको मैंने गेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप देखेंगे दिस वन, इसको अगर मैं देखता हूँ, ओके एक्सपायरी, ठीक है, तो अगर मैं ये मास्टर कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक मिनट इसकी एक्सपायरी लेता हूँ मैं, और लेट से मैं कोई भी इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, जैसे
तो इसका टाइप स्ट्रिंग है, मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे डेट टाइम चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं अगर जब इसको रन करूँगा और फिर मैं अगर इसका टाइप देखता हूँ, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी एंड ज़ीरो, करेक्ट। अब अगर इसका टाइम, इसका टाइप देखोगे आप, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, है तो आप, ये टाइम स्टैम्प आ गया यहाँ पे, करेक्ट। तो बेसिकली मुझे एक टाइम फॉर्मेट में आ गया, तो मुझे वैसा चाहिए था, तो वो आ गया। अभी मैंने स्ट्राइक प्राइस को भी मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है इस टाइप से। तो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस जो थी वो भी आपकी स्ट्रिंग में थी, इसको भी ए एस टाइप फ्लोट से कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने इसमें ये लिखा है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट डॉट सॉर्ट वैल्यूज एक्सपायरी पे। बेसिकली क्या किया मैंने, एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली मैंने सॉर्ट कर दिया। इसका एक बहुत पर्टिकुलर रीज़न है, बिकॉज क्या हुआ कि जो जो पास की एक्सपायरी होगी वो पहले आएगी, तो अगर हमें कुछ भी इंडेक्स से उठाना है तो हम जीरो वैल्यू उठाएंगे, तो अभी वीकली एक्सपायरी आएगी, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, हमें नेक्स्ट वीक का चाहिए तो हमें वन करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं जस्ट नियर बाय एक्सपायरी को इजीली। इसलिए मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली मैंने इंडेक्स भी सॉर्ट कर दिया, तो ये जो 0, 1, 2, 3 है वो भी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, इसको मास्टर कॉन्ट्रैक्ट का मैं अभी जो प्रिंट होगा ये, तो देखो आप, ये इंडेक्स नहीं आ रहा है लेकिन आपका सॉर्टेड वैल्यू आ रहा है। तो बेसिकली जो अभी की क्लोजेस्ट एक्सपायरी है, जो कि 2106 की है, वो सारी वैल्यू एक साथ आ गई है, और सबसे जो लास्ट वाली है, दैट इज 31 दिसंबर 2026 की, वो सबसे एंड में आ गई है, करेक्ट। और जब मैं ये इसको चलाऊंगा, रिसेट करूंगा, तो बेसिकली ये मेरे इंडेक्स को भी रिसेट कर देगा। तो अभी हम देखेंगे इसको, या 0, 1, 2, 3 और एक्सपायरी है, सब इस तरह से सॉर्टेड हो गई है। तो होप, क्योंकि मैं अभी कुछ भी मुझे कॉल करना है, कुछ भी ट्रेडिंग सिंबल निकालना है, कुछ भी अगर चीज़ें निकालनी है मुझे, तो मेरे पास एक बार मास्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं उससे आराम से फिर निकाल सकता हूँ। तो अभी मैं सबको एक साथ कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। नाउ मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं, एक एक करके हम देखते हैं क्या फंक्शन है इसके अंदर। बट इससे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन एक फ्लो चार्ट समझते हैं। तो बेसिकली मेरा ये एक 100 साइज का बेस है, बेसिकली हर स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस 100 का है, तो वो मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज जब आप स्ट्राइक निकालेंगे या एटीएम प्राइस निकालेंगे तो उस समय इसकी वैल्यू चाहिएगी। सिंबल हमें किस में काम करना है, तो अभी मैंने बैंक निफ्टी लिया हुआ है, अगर आप जब निफ्टी लेते तो बेस को आप 50 कर देंगे, राइट। मैंने एस एल अभी लिया हुआ है कि हम 920 पे कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, और हर लेग, दोनों लेग पे हम 33% का एस एल ले रहे हैं। अभी मैं एक लोड पे कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वान्टिटी 25 की है, आपको लोड बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि मैं इसको टाइम है डेट डी डॉट डेट टाइम नाउ, अभी का टाइम अगर 920 से कम है तो वो स्लिप में चला जाएगा। बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज जैसे 920 होता है देन हमें अपना स्ट्रगल प्लेस करना है। अभी मैंने इसको हैश लगाया हुआ है ताकि कमेंट ताकि ये रन नहीं हो जब हम रन करें, एंड कोई एरर नहीं दे, तो इसलिए हमने किया हुआ है। अभी मुझे सबसे पहले, जब अगर 920 के बाद अगर आता है, तो सबसे पहले देखने की हमारा अभी एटीएम स्ट्राइक क्या है, बेसिकली हमारी एटीएम स्ट्राइक क्या है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, अगर मैं इस फंक्शन को देखूंगा ऊपर की तरफ, लेट्स से वन बाय वन हम देखते हैं दिस वन, ओके। तो इसमें एक्चुअली जो मैंने मास्टर कॉन्ट्रैक्ट किया वो सिर्फ एफ एन ओ को किया है, और मुझे स्पोर्ट का प्राइस चाहिए, तो इसलिए अगर मैं यहाँ इनका एक सर्च स्क्रिप्ट करके है, उसमें मैं एक कॉल कर रहा हूँ कि निफ्टी बैंक, अगर इसको मैं अलग से रन करके देखता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है। और ओके, इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो ये बैंक निफ्टी स्पॉट टोकन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे होता क्या है, सर्च स्क्रिप्ट से बेसिकली आप ये एनएससी का एक्सचेंज में, और आपका कोई भी सर्च टेक्स्ट है, निफ्टी बैंक हो, बैंक निफ्टी हो, तो वो सर्च करके आपको वैल्यूज देगा। तो अगर मैं सिर्फ ये ही चीज़ रन करूँ, तो देखिए आपके पास कितने ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, ये देखिए। तो इसके अंदर निफ्टी बैंक आया है, राइट,
और एक्सचेंज में NSU आया है और ये चीज़ चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, जो वैल्यू के अंदर है बेसिकली, ठीक है, वैल्यू के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है, दैट इज, हो सकता है कि इसके साथ में और भी कुछ आए, निफ्टी बैंक के साथ में कुछ और भी लिस्ट है, लेकिन अभी हमारे पास में एक ही वैल्यू हुई है। तो वैल्यूज़ के अंदर जो हमारा फर्स्ट डिक्शनरी बनी हुई है जीरोथ, उसमें जो टोकन है वो टोकन नंबर चाहिए मुझे। तो इसलिए मैंने ये वैल्यू अंडरस्कोर ये जीरो टोकन लगाया हुआ है, ताकि मेरा टोकन यहाँ से कॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये 26009 चाहिए मुझे, वो रीड हो जाएगा। देखो आप इस तरह, तो अगर ये हो गया तो मैं बस बैंक निफ्टी का टोकन आ गया एक्चुअली, करेक्ट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट। ओके नाउ मैंने एक चीज़ लगी, बिकॉज कितनी बार क्या होता है कि आपके पास टोकन आ गया है, लेकिन अब आप गेट कोड करने की कोशिश करते हैं कि मुझे इसकी अभी LTP क्या है। तो गेट कोड इनका ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है फिनवेशिया का। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, इसको भी एक बार हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी, फ्लोट को भी हटाता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मेरा एक्सचेंज NSE है, बिकॉज मुझे स्पॉट में चाहिए। अगर NFO होता, फ्यूचर में चाहिए होता, तो मैं उसको लेता और टोकन में यहाँ से बैंक निफ्टी स्पॉट टोकन डाल रहा हूँ। गेट कोड बेसिकली इसका फंक्शन है। तो अगर मैं सिर्फ गेट कोड करता हूँ, लेट्स से OLP नहीं करता हूँ, तो देखो आप क्या होता है। इस तरह का एक बेसिकली आपका जेसन फाइल आती है। ओके इसमें सब कुछ आता है, स्टेटस, एक्सचेंज टाइम, मतलब ट्रेडिंग सिंबल या फिर सी नेम, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें आती है। मुझे एक्चुअली सही है कि लास्ट प्राइस क्या है इसकी। जब मुझे लास्ट प्राइस चाहिए तो सिर्फ मुझे लास्ट प्राइस ही कॉल करनी है उसकी, एंड दिस इज वॉट आई विल कॉल। तो ये अभी देखेंगे 32743.05 इसके स्पॉट में छोड़ रहा है, राइट। तो ये तो मेरे पास 32743 आ गया। अभी जो आया है दैट इज अ स्ट्रिंग, दैट्स वाई आई हैड कन्वर्टेड टू अ फ्लोट। ओके क्योंकि मेरी मेरे मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखा होगा, तो मैंने स्ट्राइक्स को फ्लोट में कन्वर्ट किया हुआ, तो अभी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ओके सो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक लूप चला दिया है बेसिकली। कितनी बार क्या होता है कि आप कभी कभी API कॉल करते हैं गेट कोड्स की, और एकदम से वो कभी कभी नन वैल्यू दे देता है। तो अगर दो तीन बार नन दे रहा है, तो वो वहाँ पे लूप में चला जाए, जब तक नन नहीं आए फिर वो ब्रेक करें। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ कम वैल्यू वहाँ से लेके आएंगे, बिकॉज हमें ATM प्राइस आएगी, तो हम फंक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे वाइल करके, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ये चीज़ है, अभी मैंने क्या किया मैं बताता हूँ मैं आपको। तो ये मैंने असाइन कर दिया है बैंक निफ्टी FLP में। ओके और अब मुझे ATM प्राइस निकालनी है, तो मैंने कुछ नहीं किया है। अगर बैंक निफ्टी FLP प्राइस जो है अभी ये है, राइट, एक बार मैं इसको, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं रन करता हूँ, बैंक निफ्टी की लेटेस्ट जो प्राइस है वो आ जाएगी। बट मुझे स्ट्राइक चाहिए, ये आई थी मेरे पास कुछ 32743, मुझे चाहिए 30। अभी अगर 32742 है, लेट से 32743 है, तो बेसिकली मुझे लेना है स्ट्राइक वैल्यू जो होगी मेरी, वो होगी 32700, सॉरी 700, राइट। अगर ये मेरी 53 होती है, तो बेसिकली मुझे लेना है 32800, दैट इज स्ट्राइक प्राइस लेनी, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें बेस डिफाइन नहीं है, तो मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड पर्पस के लिए, ठीक है। ये मैंने बेस डिफाइन कर दिया, तो बैंक निफ्टी को मैं अगर बेस से करता हूँ डिवाइड, तो बेसिकली मेरे पास देखो क्या आता है 32700। फिर मैंने इसको राउंड कर दिया, बेसिकली जो 4305 है इसको हटा दिया, राइट। तो राउंड अगर मैं सिंपल मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो ये क्या करेगा 327 ले लेगा। ओके फिर वापस मैंने बेस जो है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली 100। तो मेरी ये 32700 आ गई, करेक्ट। लेट्स से 32700 नहीं होती और मेरे पास में 32753 होता, तो बेसिकली आप देखो क्या हो जाता है 32800 इस टाइप पड़ी। तो मुझे यही चाहिए, राइट। तो मेरी ATM प्राइस आ गई, करेक्ट। तो ये मैंने एक फंक्शन है जो मैंने बिल्ड किया है, उसका मैंने आपको कोशिश की है कि एक्सप्लेन करने की। तो अभी हमारे पास में ATM स्ट्राइक आ गई है और यहाँ पे रिटर्न ATM कर रहा है। ओके तो हम जाएंगे वापस नीचे,
9:20 तक वेट किया, एटीएम स्ट्राइक ली। अब जो एटीएम स्ट्राइक ली, अब मुझे मालूम चल गया 32,700 है इस केस में, तो मेरा सी ट्रेडिंग सिंबल, बिकॉज क्या होता है कि इसमें अगर आपको प्लेस करना है ऑर्डर, तो ऑर्डर के साथ में आपको कुछ वेरिएबल्स डालने पड़ते हैं, राइट। तो इसमें ट्रेडिंग सिंबल डालना पड़ता है कि कौन सा ट्रेडिंग सिंबल पे अकॉर्डिंग आपको प्लेस करना है। तो अभी मैंने क्या किया, एक ट्रेडिंग सिंबल निकालना है अब सी का। तो अब सी का ट्रेडिंग सिंबल निकालने के लिए मुझे कुछ पैरामीटर्स, तो मैंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, बिकॉज मुझे बार बार कॉल करना पड़ता था, एक इंस्ट्रूमेंट मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट इंस्ट्रूमेंट करके। चलिए अब हम देखते हैं गेट इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब ये गेट इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, मैं मास्टर कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट। तो मैं अगर मास्टर कॉन्ट्रैक्ट को, चलो ऐसे इसको इसको हम देख लेते हैं, मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ आपको आइडिया पड़ जाएगा। तो इसलिए मास्टर कॉन्ट्रैक्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मास्टर कॉन्ट्रैक्ट है, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में जो सिंबल कॉलम है, दैट इज ये मेरा क्या कॉल कर रहा हूँ। तो इस केस में मेरा जो है वो बैंक निफ्टी है, करेक्ट। मैं इसमें डाल देता हूँ, और मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए या पी चाहिए ऑप्शन में। तो ये स्ट्राइक देखो आप, सी चाहिए पी चाहिए, और स्ट्राइक प्राइस क्या है, जो इस केस में मैं अभी 32,700.00 डालता हूँ, बिकॉज फ्लोट है। अब एक्सपायरी मैंने, क्योंकि एक्सपायरी से सॉर्ट किया हुआ है, तो मुझे नियर बाय एक्सपायरी चाहिए, नेक्स्ट एक्सपायरी चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं जनरली नियर बाय का ही इंस्टॉल करता हूँ। जब मैं ये रन करूँगा इस चीज़ को, और इसको मैं क्लिक करूँगा, तो देखो आपको एक जेसन फाइल आ जाएगा, राइट। अब उस जेसन फाइल में ये ट्रेडिंग सिंबल देखो आपका सी का है, तो 32,700 का सी है, जो बेसिकली जिसका मुझे ट्रेडिंग सिंबल आ रहा है। ये ट्रेडिंग सिंबल और ये टोकन भी आ रहा है इसके अंदर। तो बेसिकली मैंने गेट इंस्ट्रूमेंट बना दिया, अब मुझे इसमें से चाहिए ट्रेडिंग सिंबल, राइट। तो अगर आप देखोगे ये ट्रेडिंग सिंबल क्या, ये इसका मैं अगर ऐसा लिखूंगा, तो ये मुझे ट्रेडिंग सिंबल रिटर्न कर देगा। ये देखो, अगर मुझे टोकन चाहिए, बिकॉज कितनी बार हमें एलटीपी रीड करना है, तो हमें टोकन चाहिए होता है, राइट। तो ये मैं टोकन अगर करूंगा, तो मेरे पास ये टोकन वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये वाली जो यहाँ पे होती है। तो इससे हम एलटीपी निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए, तो इसलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट करके फंक्शन में आ दिया। अब मुझे जो भी चाहिए उसका मैं आगे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और वो मेरे पास में आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, अगर ये गेट इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखेंगे, सिंबल किसका चाहिए, स्ट्राइक प्राइस कौन सी चाहिए आपको, ऑप्शन टाइम सी ई पी चाहिए, कौन सी एक्सपायरी वीकली का चाहिए, अभी आने वाली का, उसके आगे आने को लेकर, तो आप 0, 1, 2, 3 करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि सी ई ट्रेडिंग सिंबल मेरे पास आ गया इस तरह से, ठीक है, और पी ई ट्रेडिंग सिंबल आ गया। अभी दोनों ट्रेडिंग सिंबल अगर आपके पास में आ गए, तो आप सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना। इसमें भी मैंने एक थोड़ा फंक्शन बना दिया है कि मुझे क्या करना है। तो मैंने क्वान्टिटी यहाँ पर लिखी हुई 25, सी ई ट्रेडिंग सिंबल लिखा हुआ है, और ये सेल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ ये भी, तो अगर देखेंगे प्लेस ऑर्डर जो है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैंने कर रखी है। जैसे मुझे मार्केट पे ऑर्डर प्लेस करना है, मेरा एक्सचेंज NFO है, प्रोडक्ट टाइप मेरा आई है, आई बेसिकली स्टैंड फॉर इंट्राडे, एंड इसका जो M होता है वो नॉर्मल होता है। तो मैंने प्रोडक्ट टाइप आई ले लिया, लेट इज मुझे इंट्राडे करना है। अब अगर ये, क्योंकि मैं मार्केट पे लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे प्राइस 0 और ट्रिगर प्राइस 9 है। अगर मेरा प्राइस SLL होगा, जैसे SL लिमिट होगा अगर, जो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट में कि SL लिमिट क्या काम करता है, तो उस केस में मुझे प्राइस और ट्रिगर प्राइस देना पड़ेगा। तो ये अगर आप जाके देखोगे इसके डॉक्यूमेंट्स में, आपको आइडिया पड़ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने जब ये पास किया, तो ये API की जो ऑब्जेक्ट था उसमें प्लेस ऑर्डर किया, और जितने भी वेरिएबल्स वो पास कर दिया। इससे जो रिटर्न होता है ऑर्डर प्लेस, वो एक जेसन फाइल होती है, उसमें से मैंने क्या किया, सिर्फ एक ऑर्डर आईडी निकाल ली, बिकॉज जो भी आप जनरेट करते हो उसकी एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुई। मैंने सिर्फ ऑर्डर आईडी पास की, और वो ऑर्डर आईडी को मैंने सी ऑर्डर आईडी में स्टोर कर दिया, इसी तरह से मैंने पीई ऑर्डर आईडी में। फिर मैं 3 सेकंड इसलिए रुका, बिकॉज एक बार आपका ऑर्डर जो प्लेस होता है, तो उसमें ना एक सिक्वेंस होता है, इसमें फिनवेशिया में आपका एकदम से ऑर्डर लगाते ही प्लेस नहीं होगा, वो रिक्वेस्ट लेगा, उसको पेंडिंग में डालेगा, फिर ट्रिगर पेंडिंग में डालेगा, फिर उसको कंप्लीट करेगा। तो ये प्रोसेस में मिली सेकेंड्स या बहुत माइनस सेकेंड्स में होता है, बट कितनी बार डिले हुआ है, कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो 1-2 सेकंड भी लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्लिप 3 सेकंड दिया हुआ है, ताकि एक बार ये ऑर्डर प्लेस हो जाए। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, जब ऑर्डर आईडी से आप मैंने एक और ये फंक्शन बनाया हुआ सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्या है। इसको मैं ऑर्डर आईडी पास करके, मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट इसमें से है कि अगर मुझे ऑर्डर आईडी का किस प्राइस पे प्लेस हुआ, तो मैं AVG प्राइस करके ले सकता हूँ, या प्राइस को ले सकता हूँ, मेरी क्या क्वांटिटी हुई, या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, किस टाइप के प्राइस टाइप हुए, वो कुछ भी अगर रिटर्न निकाला है। जनरली मैं सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री को मैं अभी स्टेटस देखने के लगाता हूँ, जो STT AT है,
स्टेटस से मुझे मालूम चलता है कि अभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या ट्रिगर पेंडिंग में दिखा रहा है या पेंडिंग में है, या फिर किस एवरेज प्राइस पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। तो क्योंकि मुझे मैंने अभी क्या किया, अगर आप सिक्वेंस में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सी लेक का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, पीई का कर दिया। अब मैं इसकी किस, क्योंकि मार्केट पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो किस वैल्यू पे ऑर्डर प्लेस हुआ है उसकी प्राइस निकालनी है, तो इसलिए मैंने सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री में करा हूँ। नाउ सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री एक्चुअली कुछ नहीं है, ये भी एक मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कॉल करता हूँ तो कितनी बार क्या होता है कि डेटा नहीं आता रहा भाई, वो नन आता है, तो वो नन नहीं आया तो मैं एक ट्रू वैल्यू में डाल रहा हूँ, और जो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी बेसिकली, अगर आप देखोगे ये कुछ मैंने लूप लगाया हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो रिक्वेस्ट की कुछ भी वैल्यू होगी वो उठा के मैं पास कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो एवीजी प्राइस है वो एवीजी प्राइस जो एवरेज प्राइस है उसको मैं पास कर रहा हूँ सी प्राइस और पी प्राइस में। जब ये मेरे पास पास हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। नाउ स्टॉप लॉस ऑर्डर में मैंने जो सी प्राइस है जिस पे मेरा सी का लेग ऑर्डर हुआ है प्लस मेरा जो एसएल है वो मैं पास ऑन कर रहा हूँ। तो अगर मैं जिसमें जाऊँगा तो अगर देखेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्वांटिटी ट्रेडिंग सिंबल प्राइस प्रेसेस, तो जो मेरा स्टॉप प्राइस है वो कुछ नहीं है, मेरा जो प्राइस टिगर हुआ है जो भी प्राइस टिगर हुआ है उसका एसएल मैंने लगा के उसको मैंने राउंड कर दिया। बिकॉज क्या होता है कि जब आप इस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू कुछ हो सकता है कि 0.05 टिक में नहीं आया, तो मुझे 0.05 टिक में चाहिए इसलिए मैंने 1 पे लिया है इसको। अगर आप 2 पे जाओगे तो हो सकता है कि इस तरह से वैल्यू आए 513.27, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज 27 नहीं करता है, उसकी टिक की साइज 0.05 है। फिर अगर मैंने प्राइस स्टॉप प्राइस प्लस 2 किया है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एसएल लिमिट लगा रहा हूँ, तो मैं उसको जैसे एक प्राइस दूंगा एक ट्रिगर प्राइस दूंगा, तो ट्रिगर प्राइस बेसिकली मेरी जो एसएल होगी वो होगी और किस प्राइस तक मुझे वो ट्रिगर कराना है एसएल लिमिट, करेक्ट। तो वो चीज़ मैं करूँगा। और यहाँ पे मैंने प्लेस ऑर्डर में वापस प्लेस ऑर्डर कॉल किया, लेकिन इस समय बाई किया, ट्रेडिंग सिंबल मेरी वही है, क्वांटिटी यही है, पर प्राइस टाइप अगर देखेंगे तो एसएल लिमिट कर दिया, बाय और बाय डिफॉल्ट वो मार्केट है बट मैंने एसएल लिमिट किया। अगर एसएल लिमिट में करता हूँ तो मुझे प्राइस देनी पड़ती है जो मेरी ट्रिगर प्राइस है प्लस 2 डॉलर ही है मैं, ठीक है। इसका भी मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी पास ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि प्लेस ऑर्डर से आपको जो आता है रिटर्न वो ऑर्डर आईडी आता है, ओके। तो ये मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी यहाँ पे पास ऑन कर दिया। फिर वही है कि ये दोनों मेरे अब लेग हिट हो गए, और क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है, अगर आप चाहे तो लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। फिर मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दिया है 30-30% का, एसएल मैंने 30 लिया हुआ है, आप चाहो जो भी पास ऑन करोगे वो ऑर्डर कर देगा एग्जीक्यूट। अब मुझे सिर्फ वेट करना है, या तो दोनों हिट हो जाए मार्केट में एसएल, या फिर 3:20 तक इसको वेट करना है, बिकॉज 3:20 के बाद मुझे स्क्वायर ऑफ करना है या जो भी टाइम आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3:20 लिया हुआ है और मैं स्लिप डाला हुआ है, अभी मैंने कमेंटेड किया हुआ है इस चीज़ को बिकॉज अभी क्योंकि चलेगा नहीं, एरर दे देगा इसलिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि वापस से मैंने सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री, उसकी ऑर्डर हिस्ट्री मैंने ऑर्डर आईडी से उठाई और मैंने स्टेटस उठाया। अगर वो स्टेटस ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है मतलब मेरा एसएल ऑर्डर जो है हिट नहीं हुआ है, और बिकॉज 3:20 बज गए हैं तो मुझे जो मेरा एसएल ऑर्डर लगाया है मैंने ये वाला स्टॉप लॉस ऑर्डर सी के अगेंस्ट, इसको मुझे कैंसिल करना है, और जो मेरा ये सी ऑर्डर आईडी है ठीक है उसके अगेंस्ट मुझे बाय करना है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट भी बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये वाला जो सेल है ये मेरा बाय हो जाएगा यहाँ पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, वही मैंने पी साइड किया। अब इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैंने सिर्फ ट्राई किया है कुछ बताने को, कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे ग्रुप में या बहुत जगह, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। अब इसके आगे आप इसको एसएल अगर एक लेग का हिट होता है तो आप दूसरे को आप मॉडिफाई कर लीजिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, अगर 1 बाय 1 तो इसको मैं रन किया, ये मैंने लॉगिन कर दिया यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ये मास्टर कॉन्ट्रैक्ट मैं रन करके दिखाया ही था आपको, तो ये वापस से डाउनलोड हो रहा है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट अंदर, ओके। इसको इसमें थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली, फाइल थोड़ी बड़ी होती है। फिर मैंने ये फंक्शंस बनाए हुए उनको रन कर दिया है, अभी मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए उनको रन कर दिया और मैंने इसको रन किया। अभी एक्चुअली इसमें एरर आएगा, एरर मैं बता रहा हूँ किसका आएगा, मुझे मालूम है एवीजी प्राइस का। हाँ ये देख लीजिए, ये एवीजी प्राइस का इसलिए आता है बिकॉज जब आपका बिकॉज अभी ऑर्डर जो प्लेस किया मैंने वो रिजेक्ट हो गया है, और वो रिजेक्ट होता है तो उसमें कोई एवरेज प्राइस की वैल्यू होती नहीं है, और वो एवरेज प्राइस की वैल्यू नहीं होती तो हम ये एरर देता है। जनरली इन चीज़ों को अवॉइड में एक्सेप्शन ट्राई एंड
एक्सेप्शन एरर से मैं इसको बाय डिफॉल्ट करता हूँ ताकि मेरा कोड नहीं अटके, बट इस केस में मैंने सिर्फ बताया हुआ है, लेकिन आप लाइव मार्केट में अगर करेंगे तो इस चीज़ का एरर नहीं आएगा। तो आई होप, मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पे दूसरा क्या ऑर्डर प्लेस हुआ नहीं हुआ है, बिकॉज अभी मेरा टाइम हो रहा है 18:35। ओके, तो मैंने ये ऑर्डर जो प्लेस किए थे कुछ, अगर देखिए 18:35 पे, वो मेरा दोनों ऑर्डर जो प्लेस हुए हैं MIS सेल और सेल के, एक्चुअली वो रिजेक्ट हो गया है बिकॉज अभी मेरा टाइम 16:35 है, आउट ऑफ मार्केट आवर्स है, इसलिए रिजेक्ट हो गया है। लेकिन डेफिनेटली आप जब रन करेंगे तो ये अलग इसके स्टेटस होते हैं, ये पेंडिंग बताता है या फिर ये स्टेटस अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये पेंडिंग बताता है या फिर ट्रिगर पेंडिंग बताता है या फिर कंप्लीट बताता है, तो अलग अलग स्टेटस बताता है। तो सबसे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी स्टेटस को जानने के लिए बाय सिंगल ऑर्डर हिस्ट्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, एंड होप सो इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी कोडिंग लिखने में। थैंक्स, अगर आपको ये वीडियो इसको लाइक कीजिए, और आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में। थैंक्स।